हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके इनकम टैक्स सेकंड पेपर का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको 40 MCQs क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फटाफट याद कर लीजिए। और अगला वीडियो जो है आपका 8 बजे तक अपलोड होगा, तो इंतजार करिएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कई लोगों को सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में जो दिया हुआ ना सेक्शन 54 हो गया है, जबकि सेक्शन 54B है। हिंदी में सेक्शन 54B दिया हुआ है, आप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सेक्शन 54B जो है एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 54 जो है रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे और 61 से 100 तक देखेंगे क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेटअप ऑफ टू फॉलोइंग ईयर्स। करें मकान संपत्ति की हानि अगले वर्षों तक पूरी की जा सकती है, तो कितने वर्षों तक फ्रेंड्स, तो 8 वर्षों तक, अगले 8 वर्षों तक। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लॉस फ्रॉम जनरल बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेटअप अप टू फॉलोइंग ईयर्स। करें सामान्य व्यापार की हानि को अगले वर्षों तक पूरा किया जा सकता है, तो कितने वर्षों तक, तो अगले 8 वर्षों तक। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्रॉम विच इनकम करेंट ईयर डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेटअप। कह रहे कि चालू वर्ष का ह्रास किस आय में से अगले वर्ष में पूरा किया जा सकता है, तो यहां पर जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑल ऑफ दिस, यानी कैपिटल गेन के गेन से भी किया जा सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी किया जा सकता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी किया जा सकता है। चालू वर्ष के ह्रास को पूरा कहां से किया जा सकता है, पूंजी लाभ में से भी, सामान्य व्यापार की आय में से भी और मकान संपत्ति की आय से भी, तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए और इनफाइनाइट ईयर तक जो है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जर्व डिप्रिसिएशन को। क्वेश्चन नंबर 64 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम। कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति जो है केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट अप फ्रॉम। कह रहे ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इनकम ऑफ कार्ड गेम, बी दिया हुआ लॉटरी इनकम, सी दिया हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी नहीं होगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही है, इस हानि को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप इन द फॉलोइंग। करेक्ट, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले 8 वर्षों तक। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप इन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम। करेक्ट, मकान संपत्ति की हानि अगले वर्षों में पूरी की जा सकती है, तो मकान संपत्ति की आय से। ठीक है, चालू वर्ष में तो किसी भी शीर्षक से कर सकते हैं, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये केवल मकान संपत्ति की आय से ही की जा सकती है और किसी आय से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, लॉसेज ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप। करें सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, 4 सालों तक स्पेकुलेशन बिजनेस के जो लॉसेज हैं उसको 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके पूरा कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, मिस्टर ए इनकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 ऑन द सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सच लॉसेज कैन बी सेटअप। करें कि मिस्टर ए को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचने पर 10,000 की अल्पकालीन हानि हुई है, इस हानि की पूर्ति कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी अल्पकालीन पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ से सेटअप कर सकते हैं, इनमें से दोनों में से किसी में से भी, ठीक है। चलिए बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट, कह रहा है कि अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, और अल्पकाल से भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में अल्पकाल नहीं दिया हुआ है, तो दीर्घकाल से तो कर ही सकते हैं, तो ये वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ठीक है। चलिए ए वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट अप ड्यूरिंग द नेक्स्ट, कह रहा है कि अशोधित ह्रास की पूर्ति भविष्य में कितने वर्षों तक की जा सकती है, तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट ईयर तक, यानी नो लिमिट, यहां पर कोई सीमा नहीं है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर लॉसेस हैज टू बी फाइल्ड, करें कि हानि की विवरणी दाखिल करना किस धारा के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 80 के अंतर्गत आता है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कह रहा है कि आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्र सहायता कोष में दिया गया दान 100% तक सकल कुल आय में से घटता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं यहां पर जो सकल कुल आय में से 100% छूट मिलेगा अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र सहायता कोष में दान दे रहे हैं, तो 80G के तहत, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, करें कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज, करें कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है तो 1,50,000 तक, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, करें कि धारा 80DD के अंतर्गत निःसक्ता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं 75,000 तक, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक, ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन, करेक्ट, निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, राष्ट्रीय खेल कोष, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन, करेक्ट, कि धारा 80C की कटौती लागू होती है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पर, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर और इंडिविजुअल पर, इन दोनों पर लागू होता है, इसके अलावा किसी पर लागू नहीं होता, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 80C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मत धारा 80D के अंतर्गत आती है, तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा होगा सी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी चिकित्सीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, करेक्ट, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स यहां कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जितना ब्याज होगा 8 सालों तक आपको छूट मिलेगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, जितना एक्चुअल आप इंटरेस्ट पेड करेंगे, ठीक है, उतना छूट मिलेगा 8 सालों तक, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, करेक्ट, मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन इज, करेक्ट, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, 50,000 तक। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंडर विच सेक्शन
ऑफ द फॉलोइंग एंड HUF इज नॉट इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविवाहित परिवार अपनी सकल कुल आय में से प्राप्त नहीं कर सकता है? तो 80P डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑन व्हिच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड। किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जाती है? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा कि मिस्टर रजत इज कंप्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। कह रहा श्री रजत पूर्णतः अंधे हैं, उन्हें 80U की में कटौती मिलेगी, तो 1,25,000 तक मिलेगा, क्योंकि सेवियर डिसेबिलिटी है इसलिए 1,25,000 मिलेगा। अगर सेवियर डिसेबिलिटी नहीं होती तो 75,000 मिलता। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और यही फैमिली से रिलेटेड होता ना फ्रेंड्स, इनकी फैमिली की बात होती, रजत की फैमिली की बात होती तो उनको 80DD में मिलता, ठीक है, लेकिन उनको खुद लेना है डिडक्शन तो उनको 80U में मिलेगा। ठीक है, अपने लिए लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 84 है, राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ 10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D। अरे राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रुपए रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड कर रहे हैं, अगर रोकड़ में यानी कैश में पेड कर रहे हैं तो कोई कटौती नहीं मिलती है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड 5 लाख एज अ रॉयल्टी ऑन अ लिटररी बुक, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB। करे कि एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुरस्कार पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80QQB में कटौती मिलेगी, तो 3 लाख तक मिलेगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड 4 लाख एज अ रॉयल्टी ऑन द आर्टिस्टिक बुक, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन, थोड़ा यहां मिस्टेक है, अंडर सेक्शन होगा, यू होगा डब्ल्यू की जगह पे, अंडर सेक्शन 80QQB। करें कि एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख मिले, उसे धारा 80QQB में कटौती मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहां पर जो कटौती मिलेगी वो निल होगी, ठीक है, यहां पर कोई कटौती नहीं मिलेगी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है, क्योंकि ये अनिवासी हैं और ये केवल मिलता है किसको, निवासी को। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, डिडक्शन एडमिशेबल अंडर सेक्शन 80E। कह रहा कि धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है तो उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती मिलती है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। करे कि एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? तो 1,50,000 तक। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल टू। करे कि धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है, तो इंडिविजुअल को तो है ही, हिंदू अविवाहित परिवार को भी है, यानी कंपनी को नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद, यानी धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? तो दान के संबंध में दी जाती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा, डोनेशन। क्वेश्चन नंबर 91, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P इज अलाउड टू। करें धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यानी सहकारी समिति को। ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, डिडक्शन ऑफ ट्यूशन फी ऑफ SSC चिल्ड्रेन इज अलाउड अंडर व्हिच सेक्शन। करें करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क की कटौती को निम्न धारा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 80C। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 93 है, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज, सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान कटौती की अधिकतम सीमा है, तो 1,50,000 तक, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन इज मेड अंडर सेक्शन, करेक्ट, शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती की धारा है, तो 80E। क्वेश्चन नंबर 95, डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्र सहायता कोष में दान पर कटौती मिलती है, तो 100% मिलता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रेन फंड इज, करेक्ट, कि राष्ट्रीय बाल कोष में दान पर कटौती मिलती है, तो 100% मिलता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सेक्शन 80GG रिलेट्स, करेक्ट, कि धारा 80GG निम्न में से किससे संबंधित है, तो 80GG जो है हाउस रेंट यानी मकान किराए का भुगतान से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 98, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, करेक्ट, पेंशन फंड में अंशदान किस धारा से संबंधित है, तो सेक्शन 80CCC यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच डिडक्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, करेक्ट, सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियां घटाते हैं, तो सेक्शन यानी अंडर सेक्शन 80C2 अंडर सेक्शन 80U तक की कटौती जो है घटाते हैं, तो 80C से 80U तक की, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, करेक्ट, विच इनकम इज राउंडेड ऑफ इन नियरेस्ट रुपीज 10, करेक्ट, कौन सी आय को 10 रुपए तक पूर्णांकित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, टोटल इनकम को, कुल आय को, अगर कुल आय मान लीजिए आपका 10,005 रुपया है, 10,004 रुपया मान लीजिए, तो उसको हम क्या कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, यानी 10,000 तक राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अगर वही 10,006 रुपया है, 5 रुपया है, 8 रुपया है, तो हम 10,010 कर लेंगे उसको, ठीक है, तो इस तरह हो जाता है, राउंड ऑफ कर लेते हैं कुल आय को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।